बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 16 जून और आने वाले 6 से 7 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, बारिशें कब शुरू होंगी और गर्मी की शदीद लहर से छुटकारा कब मिलेगा, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तीन रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। इस दौरान पंजाब के चंद बालाई इलाकों को सुलेमान और कैथर इन पर गरज चमक के तूफान बनने और कहीं कहीं बारिश और आंधी का इम्कान है। नाज़रीन, बारिशों के नए ताकतवर सिलसिले की बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी। 18 जून से प्री मानसून हवाओं और मगरबी हवाओं के मिलाप से बारिशों का नया लंबा सिलसिला शुरू होगा, जिसकी वजह से 18 से 23 जून के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध समेत मुल्क के बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तूफानी आंधी का इम्कान, जिसकी वजह की रफ्तार बाज इलाकों में 100 किलोमीटर/घंटा हो सकती है। तूफानी आंधी से बिजली के खंभे, गाड़ियों और सोलर पैनल और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। 18 से 22 जून के दौरान मूसाखेल, कोलू, बारखान, लोरालाई, नसीराबाद, क्वेटा समेत बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों में तूफानी बारिशों और आंधियों का इम्कान है, जबकि 19 से 22 जून के दौरान सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर समेत सिंध के बहुत से बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 18 से 22 जून के दौरान मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, खुशाब, सरगोदा, बकर, मियाँवाली, बहावलनगर, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, साहिबाल, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, लैया समेत बालाई वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। 18 से 22 जून के दौरान चित्राल, दीर सवात, एबटाबाद, मानसरा, हरिपुर, कोस्तान, शांगला, कोहाट, बाजोड़, मरदान, खैबर, पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।